नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए फीवर क्लिनिकों की जिम्मेदारी काफी अहम है। सर्दी खांसी बुखार के आने वाले मरीजों की स्क्रीनिंग और पल्स ऑक्सीमीटर से जांच जरूर करें और क्लिनिक में आने वाले मरीजों का डाटा वरिष्ठ कार्यालय को नियमित रूप से भेजें। चिकित्सक भी पूरी निर्भीकता से इस जिम्मेदारी का निर्वहन करें, साथ ही मरीज भी पूरी निर्भीकता के साथ परामर्श प्राप्त करने एवं उपचार के लिए आए। ये बात शुक्रवार को भीतरवार सामुदायिक अस्पताल की ओपीडी में कोरोना वायरस संक्रमण के संदिग्ध मरीजों को स्वास्थ्य लाभ देने एवं अन्य जानकारियां देने के उद्देश्य से शुरू कराए गए विशेष फीवर क्लिनिक का शुभारंभ करते हुए भीतरवार एसडीएम के सिंह गौर ने कही। वहीं श्री गौर ने फीवर क्लिनिक के शुभारंभ अवसर पर उपचार कराने आए मरीजों की सुविधाओं के संबंध में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर यशवंत शर्मा से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने उपस्थिति मरीजों को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 अथवा टेलीमेडिसिन केंद्रों के मोबाइल नंबरों पर आवश्यक संपर्क कर परामर्श भी प्राप्त किया जा सकता है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से तहसीलदार कुलदीप दुबे, डॉक्टर गिरिराज गुप्ता, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर सतीश कन्नौजी, फार्मासिस्ट पंकज सिंह चौहान, बीसीएम जयंत सिंह यादव, जुगल किशोर पाठक, नरेश सिंह कुशवाहा आदि उपस्थित थे। फीवर क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है। इसमें जो मरीज बुखार से सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं या जिनमें ILI या SARI के लक्षण हैं, उनका अलग से इलाज किया जाएगा। इनके इलाज के लिए अलग चैम्बर की व्यवस्था की गई है, जिसमें अलग से प्रवेश और निकास की व्यवस्था रहेगी। और जो सामान्य मरीज हैं, उन मरीजों से इनको अलग रखा जाएगा, ताकि यदि इनमें से कोई संक्रामक मरीज है तो उसका संक्रमण किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक न पहुंचे। हेलो, मिल गया? मनीषा का लगाया था मैंने, तो एसडीएम साहब बोले कि आप जो है आयुष अधिकारी को भले वहां बिठा देना, पर MBBS डॉक्टर का आप नाम लिखें, क्योंकि वो अभी कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं।